हेलो डियर, मैं आज को दिखाऊंगी केरल के लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह के उनके घर होते हैं और किस टाइप के आसपास की जगह होती है। ओके, अभी शाम इवनिंग टाइम है और शाम की 5 बज चुके हैं, 5:30। वो आपको सन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ है, नारियल के पेड़ है और बनाना के पेड़ है और आम के पेड़ है, बहुत ज़्यादा है। सबके घरों में आपको नज़र आ ही जाएंगे, कॉमन है ये सारे पेड़। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण बहुत 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 पेड़ उगते हैं, बहुत, और घास भी बहुत होता है। और अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ की घर किस डिज़ाइन में, किस टाइप में बने होते हैं। जो पुराने घर है वो इस टाइप की छत होती है उनकी, और ताकि छतों पर पानी ना ठहरे। देखो यहाँ पर ये घर बहुत पुराना है, इसीलिए इसके ऊपर वो ग्रीन कलर की कुछ छोटी छोटी सेवाल बोल सकते हैं हम, वो जम चुका है। और ये घर 50 साल से अधिक पुराना है। ये भी एक घर है, ये भी बहुत पुराना है। इसकी छत, सभी घरों की छत ऐसी होती है। ये मेरा घर है जहाँ पर हम रेंट पर रहते हैं, और इसकी भी छत ऐसी नहीं है जैसे छत इस घर की है। इसे यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये वाला ग्रीन कलर का, इसे हम काई बोल सकते हैं। ये जम चुकी है पूरी तरह से, और ऐसे से फिर घर की दीवारें सारी ख़राब हो जाती है, एक झड़ने लग जाती है, बजरी सीमेंट जो भी है। और ये थोड़े नए डिज़ाइन के नए घर हैं, इनके भी छत ऐसी ही बनाई गई है। और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऊपर से देखोगे ना आप, ऐसे ही लगेगा कि नीचे घर, जो छोटे छोटे घर है वो दिखेंगे नहीं, ऐसा लग रहा है कि जंगल है पूरा। जो खड़ी खड़ी कुछ बिल्डिंग्स है हमें वही दिख रही है, क्या आप देख पा रहे हो? और ये मैंगो का पेड़ है, ये भी मैंगो का है। वो पास में जायफल है, और यहाँ पर आंवला का पेड़ भी बहुत होते हैं, और कटहल, जानते हो आप जो जैक फ्रूट बोलते हैं जिसे, उसके भी पेड़ बहुत होते हैं। वो आपको नज़र आ रहा होगा, उसे बिमली बोलते हैं। ये बहुत खट्टा होता है, जो आंवला होता है ना उससे भी ज़्यादा बहुत खट्टा होता है। यहाँ के लोग शायद इससे अचार बनाते हैं और सब्जी भी बनाते हैं, पता नहीं खाते कैसे, मैंने भी ट्राई किया पर बहुत खट्टा था। और पास में जो ये दिख रहा है, ये बांस का पेड़ है, बहुत बड़ा है। और ये नारियल के पेड़ आपको तो बहुत नज़र आएंगे, बहुत, यहाँ पर बहुत अच्छी खासी। अगर आपको ऐसे नेचुरल जगह पसंद है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, उसके लिए आप अगर घूमना चाहें तो केरल विजिट कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, एकदम शांति है। और यहाँ के लोग सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, आते हैं जाते, कोई किसी से बात नहीं। जैसे हमारे गाँव में, राजस्थान से हूँ तो हम ऐसे आसपास में कोई भी रहते हैं, साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, सब घर से बाहर जाते हैं शाम को, सब मिलते हैं, बातें करते हैं। लेकिन यहाँ के लोग सब ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर, और सारे कोई किसी से मिलना, बात करना कुछ भी नहीं। वो आपको दूर से एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, वहाँ पर वो दो केरल के गवर्नमेंट बस स्टेशन है, उनकी भी छत झोंपड़ी की तरह बनाई हुई है। मैं जूम नहीं कर सकती क्योंकि मैंने पिछली बार जूम किया था, उससे मेरा फीड बीच में बंद हो गया। ये देखो, सभी घरों की छत ऐसी ही है ज़्यादातर, और बहुत बहुत पेड़ हैं, एकदम अच्छी शाम इवनिंग टाइम में बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है। पास में थोड़ा दूर 2-3 किलोमीटर समुंदर है, हम बाइक पर जाते हैं, पैदल तो बहुत दूर हो गया, एक बार गए थे थक गए, फिर वापस ऑटो से आए। बहुत बहुत, एक चीज़ और बताऊँ आपको, यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा क्रो है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा क्रो। और हम अगर जैसे चावल बनाते हैं तो इनको डाल देते हैं और ये आके खा लेते हैं चावल। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाज भी है, जो पेड़ों पर, नारियल के पेड़ों पर बैठे रहते हैं। वैसे यहाँ के लोग बहुत शांत और पीसफुल है, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा वैसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ लोग वो ड्रिंकिंग करते हैं, लेकिन घर में करते हैं, पी के सो जाते हैं घर में ही, हमारे जैसे नहीं कि मतलब लड़ाई करते हैं, वैसे कुछ नहीं, बस पीते और सो जाते हैं, ऐसे कुछ ज़्यादा है नहीं। एक चीज़ और, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ होने की वजह से, बहुत ज़्यादा घास होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर है, वो भी बहुत बड़े बड़े। जैसे एक ऐसे मच्छर को हाथ लगाया, मारा थोड़ा सा, फिर वो मच्छर आगे जाके गिर जाता है। वैसे मारते तो नहीं पर ऐसे घर से बाहर निकाल देते हैं। नाइट टाइम में सभी गेट बंद कर लेते हैं, इससे मच्छर अंदर तो नहीं आते। और यहाँ पर बहुत बहुत अलग अलग डिज़ाइन के यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लावर है, मेरे को तो नाम भी नहीं पता पर बहुत अच्छे हैं। सुबह जब भगवान की पूजा करते हैं तब मैं लेके आती हूँ फ्लावर, बहुत अच्छे हैं।
और क्या बताऊँ, बस अभी तो घर पे हूँ। कभी बाहर जाऊँगी तब वीडियो शूटिंग करूँगी, तब बताऊँगी आपको। बस यही है, थैंक यू। आपको पसंद आए तो लाइक करना, नहीं आए तो अनलाइक करना, पर अपना ओपिनियन ज़रूर रखना। ओके, थैंक यू।